हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहन शर्मा उपस्थित हूँ आप सभी के सामने वापस अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष एंड वास्तु पर। दोस्तों, आज के अध्याय में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों हमने मेष राशि और वृषभ राशि के बारे में बात करी थी। अगर आपको उनके बारे में जानना है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और मेष राशि और वृषभ राशि के बारे में जान सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। तो दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा उससे पहले जानते हैं कि ग्रहों का गोचर कैसा है। अगर दोस्तों आपको ग्रहों के गोचर को नहीं जानना है आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे इस महीने। जून के महीने में सूर्य जो होंगे मिथुन राशि में रहेंगे और मंगल 24 जून को कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसी के साथ 2 जून को बुध मिथुन राशि में आ रहे हैं और 22 जून को बुध जो है कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसी के साथ गुरु अपनी दृष्टि को यथावत वक्री बनाए हुए हैं, वृश्चिक राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं और शुक्र जो है 3 जून को वृषभ राशि में और 27 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि भी वक्री होकर धनु राशि में भ्रमण कर रहे हैं और राहु और केतु क्रमशः मिथुन और धनु में रहेंगे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना काफी हद तक अच्छा जाने वाला है। नए विचार आएंगे, नई सोच होगी, नए कार्यों का सृजन आप कर सकते हैं इस महीने के अंदर। इस महीने भाग्य की अपेक्षा आप अपने कर्म पर ज्यादा विश्वास रखेंगे, आप कार्य को करने में ज्यादा बिलीव रखेंगे और आप पूरी क्षमता से उस कार्य को संपूर्ण करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि मिथुन राशि के लिए कब कहां कैसा जाने वाला है ये महीना, तो आइए उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, 1 जून से लेकर 10 जून तक का जो समय है, 1 जून से लेकर 10 जून तक का जो समय है वो द्वादश सूर्य बुध की युति से व्यापार में थोड़ी मंदी आ सकती है। द्वादश भाव में सूर्य बुध की युति के कारण व्यापार में थोड़ी सी मंदी आने की पूरी संभावनाएं हैं 1 जून से लेकर 10 जून तक। नौकरी अगर आप करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी इसमें भी आपको रहेगी, आपको बार बार अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप कार्य क्षेत्र पे या कहीं पर भी कोई भी बात किसी से छुपा के बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि उस बात को अब रात से पर्दा उठ सकता है, अब वो बात सबके सामने आने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। अब आप कुछ भी गुप्त नहीं रख सकते, अब आप कुछ भी छुपा नहीं सकते किसी से। इसके अलावा दोस्तों, आपको इसी समय में थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपके एक्सीडेंट के चांसेस हैं, आपके ऑपरेशंस के यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की मामूली चोट लगने की संभावनाएं जरूर है। हो सकता है आपको फीवर आ जाए, बुखार आ जाए या आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर संभल के रहें। शुरू के महीने में 1 जून से लेके 10 जून तक आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। शनि केतु की जो युति बनी हुई उसमें आपको संतान से जरूर सफलताएं मिलेगी, संतान से जरूर सहयोग प्राप्त होगा। उसी के साथ ही दोस्तों, अंत में जैसे जैसे आपका ये 10 दिन खत्म होंगे, 9 जून से लेकर 10 जून तक आपकी स्थिति में काफी सुधार आ जाएगा, कोई बड़ा बदलाव जरूर होगा। आपकी किसी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात करने की संभावनाएं हैं और यहाँ से अब आपका समय अच्छा होने की पथ पर है। 11 जून से 20 जून की हम बात करें, जो मिड ऑफ द मंथ बोलते हैं हम जिसको, मिड ऑफ द मंथ इज अ वेरी 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 गुड, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, पूर्णतया अनुकूल, कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हाँ, जो समस्याएं हमारे शुरू के दिनों में आई थी वो भी अब समस्याएं समाप्त हो जाएगी और ये 10 दिन आपके बेहतरीन जाने वाले हैं, काम के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, हर तरह से आपके सभी तरह से अच्छे जाएंगे। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हैं या अगर आप कहीं लंबा ट्रैवल भी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 11 से 20 के बीच में ही करें, ये बहुत ही उत्तम समय है। 21 से 30 की बात करते हैं दोस्तों वापस,
एंड ऑफ द मंथ जिसको हम बोलते हैं, तो 21 से 30 में शनि वक्री दृष्टि के अलावा अन्य चार ग्रहों का प्रभाव भी राशि पर पड़ेगा आपके, और चंद्र का जो द्वितीय गोचर है वो प्रसन्नता के साथ साथ आय भी बढ़ाएगा आपकी। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ साथ थोड़ी सी वाद विवाद की स्थितियां जरूर बनेगी, पर आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको आपस में बैठ के सुलझा लेंगे और उनको आराम से खत्म कर देंगे। तो जो वाद विवाद बढ़ भी रहा होगा वो अब खत्म हो जाएगा दोस्तों। और आपके आपके जो ऑफिस में थोड़े से जो अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट है आपके ऑफिस में अगर कोई, तो वो आपसे थोड़ी सी नाराजगी जरूर जता सकते हैं इस लास्ट के कुछ दिनों में। दोस्तों अब बात करते हैं एक एक कैटेगरी। तो सबसे पहले व्यापारिक लोगों के लिए, क्योंकि ये वाला महीना सबसे व्यापार में बहुत ही अच्छा जाने वाला है, तो मैं व्यापारियों को यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठे हैं तो थोड़ा सा और इंतजार करें, और इस महीने के अंत में खासकर 15 तारीख के बाद आप वो इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि महीने की शुरुआत में थोड़ा सा नुकसान जरूर यहां दिखाई दे रहा है, बट अंत में बहुत ही अच्छा लाभ है। इसी के साथ दोस्तों सेहत की बात करें तो जैसे हमने पहले शुरू में बताया था कि थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, खासकर पैर की चोट आपको लग सकती है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, और बुखार और छोटी मोटी बीमारियां है, पर खासकर पैर का जरूर आप ध्यान रखें। आपको बस सेहत में यही ध्यान रखना है दोस्तों कि आप पैर का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों पारिवारिक माहौल सभी तरफ से अच्छा रहेगा, आप घूमने जाएंगे, आप मिलेंगे जुलेंगे आपस में, मेहमानों का आगमन रहेगा, तो आप बिल्कुल ही तनावपूर्ण रहेंगे, थकान मुक्त रहेंगे और काफी खुश मिजाज रहेंगे इस महीने। दाम्पत्य जीवन में हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा जाने वाला है, बिना किसी भी वाद विवाद के, बिना किसी भी लड़ाई झगड़े की ये महीना आपका आराम से हंसी पूर्वक निकल जाएगा। संपत्ति आपको जरूर प्राप्त होने के अवसर हैं इस महीने, और इस महीने संपत्ति का सौदा भी हो सकता है, अगर आप करते हैं तो काफी आपको फायदा रहने वाला है। अगर आपको दोस्तों किसी भी कारण से अगर आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको दो छोटे छोटे काम करने हैं। आप एक तो डेली सुबह उठ के मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आपको जो सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिल पा रही है वो आपको मिलने लग जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस महीने आपको थोड़ी सी ऊर्जा की जरूरत है, बाकी काम आपके अपने आप हो जाएंगे। तो आप अभी से अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको वो ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से आप सही डायरेक्शन में जा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों रोज सुबह आप गाय को चारा खिलाएं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि मिथुन राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। अगर दोस्तों किसी भी कारणवश आपको लगता है कि ये महीना आपका अच्छा नहीं जा रहा है, तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं आप वो उपाय करें, उससे आपको काफी सफलता मिलेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी वो आपको काफी सहयोग प्रदान करेगी, और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये अच्छी जानकारी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, उनकी भी इसमें मदद करें। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिख सकते हैं। धन्यवाद।